Good morning. Our today's chapter is matter in our surroundings. Okay. So today we are going to start our new academic session, that is 2021-22. Okay. So our today's chapter is matter in our surroundings. So first we are going to discuss about matter. Okay. First we will identify about matter. मैटर क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे. सो एज वी ऑल नो दैट ऑल थिंग्स आर सराउंडिंग, अपने चारों ओर जो भी थिंग्स प्रेजेंट है, लाइक मार्कर, बोर्ड, आर क्लास, ओके, बुक, वाटर बॉटल, मार्कर, पेन, पेंसिल, शॉर्पनर, जो भी थिंग्स है आपके पास में, वो सारी क्या है? मैटर. तो उन्हीं मैटर के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. आपने देखा होगा आपके पास भी काफ़ी सारे थिंग्स इस तरह से प्रेजेंट होती है. ओके. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ये जो मैटर है इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है? सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ओके. तो ये जो मैटर अपने सराउंडिंग अपन देखते हैं, जो भी अपने सराउंडिंग अपन मैटर देखते हैं, जो भी अपने सराउंडिंग जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं, इस मैटर में हर चीज आएगी. आपके चेयर्स, टेबल, कुर्सी, ओके, इवन स्टोन, प्लांट, ये सारे भी किस में आ जाएंगे? मैटर में. तो इनका जो फिजिकल नेचर है, फिजिकली इनका मतलब इनकी जो बनावट है, फिजिकल का मीन क्या समझते हो? कि जिनको आप टच कर सकते हो. ओके. टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. ओके. आप देख सकते हो तो देखने में कैसे लगते हो, जब आप इनको टच करते हो तो टच करने में कैसा इनका टच होता है? ओके. ये सारी चीज़ें क्या हो गई? इनका फिजिकल नेचर हो गया. ठीक है. इस तरह से अगर अपन किसी भी मैटर को आइडेंटिफाई करेंगे, इट मीन्स अपन उस मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं. ओके. सो अपने इस अर्थ पे प्रेजेंट जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी थिंग्स अपन बात करते हैं, जो भी चीज़ें अपने चारों ओर प्रेजेंट हैं, वो सारी किससे बनी हुई है? फाइव थिंग्स से बनी हुई है, लाइक अर्थ. यहाँ पे जब अपन बात कर रहे हैं इन थिंग्स की, तो इनमें इंक्लूडेड ह्यूमन बींग ऑल्सो. ओके. तो इनमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो भी आते हैं इसमें, प्लांट भी आते हैं सारे. ओके. सो अर्थ, फायर, स्काई, एयर, वाटर. तो जितनी जो भी थिंग्स प्रेजेंट है अपने इस अपने सराउंडिंग, वो सारी किससे बनी हुई है? इन फाइव थिंग्स से बनी हुई है. और इनको अपन क्या कहेंगे? पंच तत्व. इनको अगर एक साथ अगर अपन बोले तो इनको अपन क्या कहेंगे? पंच तत्व. ओके. तो ये जो पंच तत्व हैं, सभी अपनी जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी मैटर्स हैं, वो सारे इन्हीं पंच तत्व से बने हुए हैं. ठीक है. तो इन्हीं मैटर्स के बारे में अपन बात करेंगे. अभी अपन देखते हैं क्या फिजिकल नेचर. फिजिकल नेचर को देखने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. और इस एक्टिविटी में अपन क्या करेंगे? अपन ने इस तरह से वन बीकर लिया. ओके. और उसमें वाटर अपन ने ले लिया. ओके. वाटर आप जैसे हाफ से ज़्यादा वाटर अपन ने इसमें ले लिया. अंडरस्टैंड? ये अपना क्या हो गया? बीकर. ओके. एंड दिस इज वाटर. ओके. ये क्या हो गया? अपना वाटर हो गया. फिर अपन क्या करेंगे? इसमें कुछ शुगर इसमें ऐड कर देंगे. शुगर आप यहाँ पे ले सकते हो और आप इधर सोल्ट भी ले सकते हो. अब ओके. तो ऐड शुगर. फिर इस शुगर को अपन ने क्या किया? शुगर को अपन ने क्या किया? ग्लास रोड ली. ओके. ग्लास रोड अपन ने ली. ये क्या है? ग्लास रोड. इस ग्लास रोड से अपन ने क्या किया? इसको स्टिर किया. इसमें ये अपने क्या हो गए? ये जो आप देख रहे हो ये वाटर हो गया. ये इसके क्या हो गए? शुगर पार्टिकल्स हो गए. ये जो पार्टिकल आप देख रहे हो ये शुगर पार्टिकल हो गए. और इस तरह से आप क्या करोगे? इस रोड से इसको स्टिर करोगे. ओके. तो अपन क्या करें? स्टिर वाटर. इस वाटर को क्या कर रहे हैं? स्टिर कर रहे हैं. अंडरस्टैंड?
ओके तो जब अपन कुछ टाइम तक इसको अच्छे से स्टीर करेंगे तो धीरे धीरे अपन ये देखेंगे कि ये जो इसमें शुगर इस वाटर में अपन ने डिजोल्व की थी वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ओके गायब हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे कि इसमें अब शुगर आपको दिखाई नहीं दे रही है। अंडरस्टैंड? सो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन राइज होता है, ये क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो वाटर आपने लास्ट जो बीकर में लास्ट में जो बचता है वाटर, ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ वाटर ही दिखाई दे रहा है, तो ये जो शुगर अपन ने ऐड की थी ये कहाँ पे गई। ठीक है, आपको ये देखना है कि इस वाटर में क्या कोई चेंज होता है, चेंज होता है तो क्या चेंज होता है, ये जो शुगर अपन ने ऐड की वो कहाँ पे गई। ठीक है, और क्या अपना ये जो वाटर लेवल है, जैसे अपन ने इसमें 100 ml लिया, ओके तो ये भी 100 ml ही होगा अपना, ओके और लास्ट आपने यहाँ पे देखा ये भी 100 ml होगा, मतलब इसका जो लेवल है वो उतना ही रहेगा, इतना ही जितना अपन ने यहाँ पे इसका लेवल था उतना ही लेवल इतना लास्ट में भी इसका रहेगा। अंडरस्टैंड? सो अपने को इसमें देखना क्या है, अपने को इसमें देखना है कि जो शुगर अपन ने ऐड की उसका क्या हुआ, वाटर का लेवल बढ़ा या फिर नहीं इंक्रीज हुआ। ओके ये अपने को देखना है। अंडरस्टैंड? तो अपन ये देखेंगे कि जो वाटर अपन ने लिया है, ठीक है, लास्ट में जो वाटर अपने पास बच रहा है वो क्या है, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, जितना लेवल पहले था, जितना लेवल इस फर्स्ट बीकर में अपना था, उतना ही लेवल अपना इस थर्ड बीकर में होगा। ओके इट मीन्स इस वाटर का लेवल है वो इंक्रीज नहीं हुआ, ना ही ये इंक्रीज हुआ ना ही ये डिक्रीज हुआ। तो फिर ये जो शुगर अपन ने ऐड की थी ये कहाँ पे गई, इसका क्या हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए अपन एक चीज़ देखते हैं कि जो भी अपना वाटर है, ठीक है, वाटर में क्या होता है, जैसे वाटर के पार्टिकल्स इस तरह से फैले हुए हैं, ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो रिमेन रहता है। ओके जैसे ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये हो गया पार्टिकल। ओके अपन ने स्टेट्स ऑफ मैटर तो देखा ही होगा अपनी प्रीवियस क्लासेज में, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, ये अपन ने इस बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, अपन पहले ही समझते हैं कि सॉलिड जो है, ठीक है, कोई भी सॉलिड मैटर अपने पास में है उसके पार्टिकल्स इस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल टच रहते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, और अपन ने ये भी देखा था कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, और अगर अपन बात करें गैस की तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस इस तरह से होता है। ओके तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड की, वाटर क्या है, लिक्विड है, तो इसके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो भी स्पेस इसमें प्रेजेंट है, इस स्पेस में क्या करेंगे, ये जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जाके फिर किस में ऐड हो जाएंगे, इन स्पेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स ऐड हो जाएंगे। इट मीन्स शुगर ने किया क्या है कि जो स्पेस वैकेंट था, जो स्पेस बचा हुआ था, उसी स्पेस को इसने कवर कर लिया। इट मीन्स दैट ये जो सॉल्यूशन है, आप जब ये सॉल्यूशन लोगे तो इसके पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा क्या हो गया, स्पेस ज़्यादा था और इन पार्टिकल्स के बीच में उतना स्पेस नहीं हुआ। इट मीन्स लेवल तो उतना ही है लेकिन इसका जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स इन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम हो गया, ये सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। अंडरस्टैंड? क्या हो गया अपना सॉल्यूशन जो ये है वो डाइल्यूट हो गया। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दिस एक्टिविटी। ओके तो इस तरह से इस एक्टिविटी से अपन ने समझा कि जो पार्टिकल्स हैं, ओके मटेरियल जो है वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। ओके और अब अपन बात करेंगे कि ये जो मटेरियल अपने पास है, जो मैटर अपने पास है, जिनकी अपन क्या कर रहे हैं, फिजिकल नेचर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल्स अपन ये तो देख लिया कि ये एक दूसरे के जो स्पेस है इसने वो कवर कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइज ऑफ दिस पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल हैं, ठीक है, जो मैटर है उनकी साइज़ कितनी होती है, हाउ दे आर स्मॉल, ये इनकी जो साइज़ है वो ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं फिर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, तो वो देखने के लिए हम देखेंगे एक अनदर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। तो उसमें अपन क्या करेंगे, सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन ने वन बीकर इसमें लिया। ओके वन बीकर जब इसमें लिया तो अपन ने इसमें क्या ले लिया, 100 ml वाटर। ठीक है, इस बीकर में अपन ने क्या लिया, ये अपना क्या हो गया, बीकर
और इस बीकर में ये क्या हो गया अपना वाटर। ओके तो इस वाटर में वाटर अपन ने क्या लिया 100 ml ले लिया। नेक्स्ट अपन ने फिर से एक बीकर लिया, ठीक है, और इस बीकर में अपन ने क्या किया, इस वाटर का 90 ml तो इसने क्या किया वाटर ले लिया। ओके और इसमें क्या किया अपन ने पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 crystals अपन ने ऐड कर लिए, 2-3 crystals ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये तो क्या हो गया आपका वाटर। इसमें अपन ने क्या किया 2-3 crystals ऑफ वाटर। ओके तो जो सॉरी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट अपन ने ले लिया 2-3 crystal इसके ले लिया अपन ने, इसमें अपन ने ये ऐड कर लिया और इसको अच्छे से स्टीर कर लिया, तो ये अपना एक सॉल्यूशन बन गया। ये अपना क्या हो गया बीकर सेकंड, ये अपना क्या हो गया बीकर फर्स्ट। ओके नेक्स्ट अपन क्या करेंगे फिर से एक बीकर लेंगे, फिर से एक बीकर जब अपन ने लिया तो ये अपना क्या हो गया बीकर थर्ड। ओके बीकर थर्ड में अपन ने क्या किया 90 ml तो क्या किया ये सॉल्यूशन अपन ने ले लिया। ओके और सॉरी 90 ml तो अपन ने क्या ले लिया इसमें क्लियर वाटर, क्लियर वाटर। ये सेम चीज अपन ने इस वाले बीकर में की थी, 90 ml अपन ने ये क्लियर वाटर लिया था और 10 ml आप इसमें अपन ने क्या किया था 2-3 crystals ऑफ KMnO4 के इसमें अपन ने ऐड किया था। सॉरी ये भी 100 ml, ये अपन ने क्या किया अभी 100 ml। इट मींस इसी बीकर में अपन ने 2-3 crystals ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के अपन ने ऐड कर लिया, तो ये अपना सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ml हो गया। अंडरस्टैंड। सो इसमें अपन ने इस सॉल्यूशन का 90 ml तो क्या ले लिया क्लियर वाटर, क्लियर वाटर। इट मींस ये वाटर अपन ने नहीं लिया है क्लियर वाटर, क्लीन वाटर अपन ने लिया जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है, ठीक है। और फिर 10 ml अपन ने क्या किया 10 ml इस जो बीकर सेकंड है इस बीकर सेकंड का इसमें 10 ml सॉल्यूशन अपन ने ले लिया। ओके फिर अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, जो नेक्स्ट अपना सॉल्यूशन है उसमें अपन सेम चीज करेंगे, उसमें अपन सेम चीज अपन ने क्या किया 90 ml तो अपन ने वाटर, ठीक है, क्लीन वाटर लिया, क्लीन वाटर जो अपन ने बाहर से लिया, और 10 ml क्या करेंगे इस सॉल्यूशन का अपन ने ले लिया। ओके तो आप इस तरह से देख पा रहे हो कि इसमें जब ये सॉल्यूशन अपन ने लिया तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो कैसा होता है पर्पल। तो सबसे पहले जब अपन ने लिया तो ये डार्क पर्पल कलर था, फिर अपन ने इस एक्टिविटी को इस तरह से की, इट मीन्स 10 ml ही इस सॉल्यूशन का लिया है, बाकी अपन ने 90 ml क्या लिया है क्लीन वाटर लिया। इसी टाइप से नेक्स्ट अपन ने 10 ml ले लिया और 90 ml क्लीन वाटर का ले लिया। ओके तो इस तरह से ये प्रोसेस अपन 5-8 times जब इसको करेंगे अपन, ठीक है, 5-10 times जब इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो इन लास्ट अपनी एक कंडीशन, एक ऐसी स्टेट आएगी जब ये कलर जो है वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। अपन जब ये प्रोसेस कर रहे हैं इसमें ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ये चीज़ें रिपीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है ये बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल है, ये फिर थोड़ा सा लाइट हुआ, फिर ये और लाइट हुआ, लाइटर लाइटर ये होता ही जाता है, ठीक है। तो इसका कलर जो है ये पर्पल कलर है, ये हर बीकर में क्या होता है और ज़्यादा लाइट हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह से अपन ने क्या किया इस एक्टिविटी से अपन ने ये देखा कि जब अपन ने ये लिया तो इसमें 2-3 crystals ऑफ KMnO4 के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के लिए तो इसमें बहुत ज़्यादा ये क्या है डेंसिटी है इसकी। ओके इसके 1 crystal में भी काफ़ी सारे इसके मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स फिर क्या होंगे डिवाइड होते जाएंगे, इसमें कुछ अमाउंट में ही आ पाएंगे, फिर इसमें जितने अमाउंट में थे उसमें और भी कम अमाउंट में आ पाएंगे, तो इसका और कलर लाइट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट भी कर लिया उसमें और कम आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो इस तरह से क्या है जो पोटेशियम परमैंगनेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लास्ट का जो बीकर होगा उसमें बहुत ही कम हो जाएंगे और इसी वजह से उसका कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 2-3 crystals में ही इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, थीके? और ये क्या हो रहा है हर बीकर में ये क्या हो जाते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये बता सकते हैं कि जो इसके पार्टिकल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है, डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट मैटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से ये मिलके
बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है। तो इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अब आप देख सकते हो कि 2-3 क्रिस्टल में ही अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो मैटर है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। अंडरस्टैंड? सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड अबाउट दैट, एंड फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।